दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन चार व्यक्तियों को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, जिन्हें किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सर्प का रूप धारण करके एक बूढ़ी महिला के पास जाऊंगा। वह बूढ़ी महिला कितने वर्षों से मेरी आराधना कर रही है। हे देवी, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य उन गलतियों से बचेंगे जो मनुष्य को बड़े पाप का भागीदार बना देती हैं। और मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे गरीबी में इंसान कौन सी गलतियां कर बैठता है, जिनके कारण वह हमेशा गरीबों के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसीलिए हे देवी, इस कहानी के जरिए पृथ्वी लोक पर हर मनुष्य को यह अमूल्य जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी को ध्यान से सुने, फिर भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कब कौन सी बात काम आ जाए पता नहीं है। हे देवी, आपने अक्सर देखा होगा कि पृथ्वी लोक पर परिवार की महिलाएं अधिकतर विवादों में शामिल होती हैं। कभी किसी एक बात पर तो कभी किसी दूसरी बात पर उनके बीच झगड़े होते रहते हैं। परिवार में अक्सर छोटी मोटी बातों के लिए तनाव भी हो जाता है, लेकिन जिनके बड़े परिवार होते हैं वहां तो आपसी विवाद कभी खत्म ही नहीं होते, दिन रात तकरार चलती रहती है। कई बार छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति उसमें फंसकर रह जाता है, चाहे वह बच्चे हों या महिलाएं। इसके परिणाम स्वरूप परिवार के पुरुषों को भी नुकसान और दुख का सामना करना पड़ता है। मनुष्य का झगड़ा छोटा हो या बड़ा, इसमें आर्थिक, समय और शारीरिक हानि उठानी पड़ती है। हे देवी, आप कहती हैं कि जिस घर में परिवार की महिलाएं आपस में लड़ती हैं, विवाद करती हैं, वहां की सुख शांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, यानी कि उस घर में प्रगति रुक जाती है। ऐसे घर में कभी समृद्धि नहीं होती और जीवन में कई समस्याएं आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाह फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें, क्यों? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि एक गाँव में एक वृद्ध महिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उसके पास केवल दो बेटे ही थे। इस प्रकार उसके परिवार में कुल तीन सदस्य थे। उसकी जमीन भी बहुत कम थी और वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ बेटे के विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में दो बहुएं आई और कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, और उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, वह कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर के बड़ी बहू ही छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका लग जाता है तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी थी और कहती कि तूने घर का ये काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था और अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ती रहती थी। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़े को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन वृद्ध महिला ने सोचा, हम तीन लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था, और अब हम पांच लोग हो गए हैं, इसीलिए घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद इसी कारण से झगड़ा हो रहा है। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा तुम दोनों परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और ये झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है और वो है पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते, उसकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी नहीं होती, तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण है लड़ाई झगड़े का मूल कारण यह भी होता है, व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खाली बैठा रहा हो तो फिर उसके दिमाग में खुरापाती आइडियाज आने लग जाते हैं, फिर वह किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण है जब व्यक्ति ज्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता तो फिर उसे जलन होने लगती है और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा ही करता है।
और वह लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताते हैं। दोस्तों, पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर और अपनी पत्नियों को ये समझाकर कि हमारे न रहने पर वे हमारी माँ का ध्यान रखेंगे, वह पैसा कमाने के लिए परदेश चले गए। दोस्तों, उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जिठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया कि तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी, तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो, ये उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसीलिए छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमता धीरज रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगी कि आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हो, आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका मनोबल बढ़ा रही हो। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज्यादा लड़ेगी और ज्यादा उत्पादित करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं और उसे कुछ भी नहीं कहती। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि पहले बड़े को समझाना ही चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है, जो नियम है उसके अनुसार ही मैं काम कर रही हूँ, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। दोस्तों, वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर वृद्ध महिला समझाती है और कहती है, देख बहू, वह तुझसे बड़ी है, तू छोटी है, फिर ऐसे क्यों झगड़ रही हो आपस में? घर में बार बार क्यों लड़ाई करती हो? तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वह परदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देख कर हम पर हंसते हैं, इसीलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा, ये वृद्ध महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है, और छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूँ तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती है और मुझे फूटी आंख भी नहीं देखती। दोस्तों, छोटी बहू को समझा कर वृद्ध महिला भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, यह मानेंगी नहीं। इन्हें समझाओ तो ये उल्टा मुझसे सवाल करती हैं, मुझसे लड़ने की बात करती हैं। फिर वृद्ध महिला ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहां अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहां बोलने से अच्छा है चुप रहना, क्योंकि चुप रहने से ही भलाई है। यदि आप वहां बोलेंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। वृद्ध महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा ये दोनों मुझ पर ही हावी हो जाती हैं। अगर किसी दिन हाथ उठा दिया, यदि ये दोनों कभी मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। दोस्तों, अब ये दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत घृणा करने लगती हैं। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछती, बुढ़िया को खुद ही रसोई जाकर अपना खाना लेना पड़ता है। वे बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी, काश ये बुढ़िया यहाँ से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिससे कि वह बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सके। दोस्तों, अगला दिन होता है कि उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। तब वृद्ध महिला ने एक कट्टा उठाया और घास काटने जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं ना, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर भी लड़ाई सुनोगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौट कर आई थी। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो बुढ़िया अपना कट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। ये सब देखकर भगवान भोलेनाथ को याद करती है। उस वृद्ध महिला की ये दशा देखकर भगवान शिव एक सर्प का रूप धारण कर उस जंगल में चले जाते हैं। जब वह वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सर्प, जो भगवान शिव थे, वह वहां आ गए। विशाल सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा बोलना शुरू कर दिया और कहा, माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहां तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। सर्प के मनुष्य की भाषा बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा कि हे नाग देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है? जब नाग कहने लगे, माता, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दें तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कागार पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था, उस आश्रम के जो ऋषि थे उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी से मैं जीवित था, लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले जो ऋषि थे, वे अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। दोस्तों, जब वृद्ध महिला ने यह सुना
तो नाग के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि नाग देवता, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया नाग देवता से बात करने के बाद अपने घर लौट गई, जैसे कि रोज होता है। दो बहुएं, देवरानी और जेठानी, तैयार होकर आपस में झगड़ा करने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है तो उसे पता चल जाएगा, तो वह उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी के घर से दूध ले जाती है तो उसे पता चल जाएगा और फिर वह उससे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी वाली के घर से दूध लेगी और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी, इसीलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग देवता को दूध पिला दूंगी। दोस्तों, वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। जब तक वो नाग देवता भी वहीं आ जाते और कहते, हे माता, मेरे लिए दूध लेकर आई हो? फिर बुढ़िया कहती है, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। उस बुढ़िया ने तुरंत दूध नाग देवता के आगे रखा। जब नाग देवता ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। जब नाग देवता कहने लगे, माता, आपने आज हमारी जान बचा ली, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग देवता, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अभी मैं पूछना चाहूंगी कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की भांति कैसे बोल रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग देवता हैं या कोई और? तब नाग देवता, जो भगवान शिव थे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर नाग के रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का है, मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। एक वर्ष के बाद मेरा मनुष्य शरीर वापस मुझे मिल जाएगा। उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नाग देवता ने अपनी कहानी वृद्ध महिला से कही। वृद्ध महिला को उसकी कथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वह रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपते छुपाते लाने लगी और उस नाग देवता को पिलाने लगी। कभी वे दूध बड़ी बहू के घर से लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वे नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग देवता भी हर रोज उस स्थान पर आता और वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होता। भगवान शिव को ऐसा लगता कि जैसे उन्हें अपनी असली माँ मिल गई हो। फिर एक दिन क्या हुआ, बहू ने देखा उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दिनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है, हमारा दूध कैसे कम हो जाता है, हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने कहा कि हमारा भी दूध हर तीसरे दिन कम हो जाता है, हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं, फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है, पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं हैं। जब छोटी वाली ने कहा, दीदी, तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है, चलिए हम छुपकर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुपकर देखने लगी। इधर अगला दिन होता है तो वृद्ध महिला रोज की तरह बड़ी वाली के घर जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छुपकर देख रही थी कि वृद्ध महिला ने बड़ी वाली के घर से दूध लिया और कट्टे में छुपाया और घास काटने के बहाने जंगल को चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं यह बुढ़िया दूध लेकर जंगल में कहां जाती है और किसे पिलाती है, खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। वृद्ध महिला जंगल में चली जा रही थी, उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। वृद्ध महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह नाग को अक्सर दूध भी पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं ने चुप कर देख रही थी उसको। बुढ़िया के पास एक विशाल और भयंकर सर्प आया। बुढ़िया ने उसे दूध पिलाया, सर्प दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है और वह सर्प तो बहुत बड़ा था, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देख कर वे दोनों घबरा गई, डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है ये सर्प कोई दैत्य है और ये बुढ़िया भी कोई चुड़ैल लगती है, बल्कि हमारी सासू माँ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए, हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। दोस्तों, उन दोनों का बहाना मिल गया उन दोनों को। तो ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर पर आई। इधर बुढ़िया नाग देवता को दूध पिलाती हैं और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती हैं। और घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था। दोनों बहुएं जो थी डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बुढ़िया ने कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधे खड़ी हैं और हाथ में डंडा पकड़ रखा है। बुढ़िया ने देखा कि ये क्या मंजर है, इन दोनों का ये रूप कैसा है, ये हाथ में लाठी क्यों पकड़े हुए हैं। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो, तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू तो एक चुड़ैल है, एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी, और तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं जो मुझे मेरे बेटों से भी प्यारे हैं, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब वह दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुम्हें देख लिया है, तू एक खतरनाक सांप को दूध पिलाती है, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती है और उसको पिलाती है, वह सर्प कोई राक्षस है और तू एक डायन है।
और अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें इस घर में हम घुसने नहीं देंगे, और ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसीलिए अच्छा इसी में है कि तू यहाँ से सीधे वापस चली जा। आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, बुढ़िया ने दोनों बहुओं को समझाया। फिर बुढ़िया कहने लगी, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर है, हमें अंदर आने दो। दोस्तों, अब परिणाम ये हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने ज़बरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। बुढ़िया अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी, इस रात में मैं कहाँ जाऊँगी। उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से क्या लाभ होगा, वो दोनों दरवाजा तो खोलेंगे नहीं। उसने तय किया कि वह उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसीलिए वह रात में उस स्थान पर गई जहां आमतौर पर घास काटा करती थी, और उस नाग देवता का इंतजार करने लगी जिसे दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग देवता नहीं आए, क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके पास वह बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद के पेड़ के पास बैठी रही, सुबह का इंतजार करती रही थी। जैसे ही सूरज उगा, वह नाग देवता वहां पहुंच गया। जब नाग देवता वहां आए, उस समय वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वह कभी इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र पड़ी कि पेड़ के पास जहां वह बुढ़िया रो रही थी। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे माँ, आपको क्या हुआ, आप परेशान हो, आप क्यों रो रही हो। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग देवता, मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया है और तुम्हारे लिए दूध भी नहीं ला पाई, क्योंकि जो दूध मैं तुम्हारे लिए लाया करती थी वह दूध मैं अपनी बहुओं से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया आपको दूध पिलाते हुए। वे कहती हैं कि मैं चुड़ैल हूँ, वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को मारकर खा जाऊंगी। उन्होंने हमको घर में घुसने नहीं दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे प्रदेश नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, नाग देवता को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग देवता कहते हैं, हे माता, आप घबराओ नहीं, मुझे अपना बेटा समझो, आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग देवता की इस बात को सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर नाग कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। दोस्तों, इसके पश्चात वे नाग देवता बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाता है। आगे आगे नाग देवता चलते हैं और उसके पीछे वृद्ध माता। वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं, जहां नाग देवता बुढ़िया माता को लेकर आते हैं, जहां एक आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले आता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा, ये आश्रम किसका है। तब नाग देवता कहते हैं कि ये आश्रम एक ऋषि महात्मा का था, जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं, उनका देहांत हो गया है। मैं यहाँ पर ही रहता था इसी आश्रम में, मुझे उस साधु ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यहीं कहीं आसपास होगी, वो बेचारी भटक रही होगी, अगर वह गाय हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वो गाय भी वहाँ आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग देवता कहते हैं, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए, आप भी पी लीजिए और हमें भी पिला दीजिए। तो माता दूध निकालती है, उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है, स्वयं पीती है, और फिर नाग कहता है, माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चित होकर इस आश्रम में रहें, ये गाय हमारे लिए दूध देगी, और यहाँ ऋषि महात्मा की कृपा है। वह एक अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। ऋषि महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वालों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, खाने पीने की हर चीज़ यहाँ उपलब्ध होती है, आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। तो दोस्तों, ये सुनकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई, और अपने बेटे नाग देवता के साथ वह बुढ़िया वहीं आश्रम में रहने लगती है। और नाग देवता हर दिन घूमने निकल जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, जबकि बुढ़िया और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज़ घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय तीनों एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग देवता जो हर दिन की तरह घूमने गया, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग देवता नहीं आए। बुढ़िया इंतजार करती रही, उसका बेटा नाग देवता इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया। दोस्तों, बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग देवता का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी नाग देवता लौट कर नहीं आए। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग देवता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग देवता को ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वही उसका बेटा नाग देवता जमीन पर गिरा पड़ा था, और वह नाग देवता उस पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग देवता को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। दोस्तों, वह नाग देवता काफी घायल और जख्मी हो चुके थे। बुढ़िया पूछती है, बेटा, ये सब कैसे हुआ। इस पर नाग देवता अपनी पूरी कहानी बताता है। माता, मैं शाम को जब घर लौट रहा था तो एक भयंकर तूफान आया, और तूफान के आने से पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं निकल सका, मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूँ। दोस्तों, इस तरह बुढ़िया ने उस नाग देवता को आश्रम ले जाती हैं और कुछ औषधि को पीस कर लाती हैं, और वे उन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती हैं और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती हैं। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं।
इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। एक साल बीत जाने के बाद भगवान शिव नाग देवता का रूप छोड़कर फिर मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। अब वे बेहद सुंदर राजकुमार बन जाते हैं। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। उसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी हैं। दोस्तों, जब नाग देवता से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, उस पिता को देखकर क्या करूँगा जिस पिता ने मुझे जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया कि बेटा, उस समय तुम एक नाग रूप में थे, तो नाग रूप में उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसीलिए बेटा, तुम यहाँ से चलो और इस बहाने मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। दोस्तों, भगवान शिव जो राजकुमार थे, वे बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं, काश ये राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहां के चौकीदार से मिलकर पूछने लगते हैं कि हमें राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, यहां के राजा और रानी से हम मिलना चाहते हैं। वे कहां हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा, हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहां का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की। बुढ़िया ने भी कहा कि नहीं मंत्री, कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सके, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री कहता है, राजा साहब बहुत बीमार हैं, यह बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने सर्प को देखा तो बड़े भयभीत हुए और उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात समझ के कि लोग क्या कहेंगे, राजा के घर में पुत्र की जगह सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करने लगेगी। इसलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया। तब से राजा रानी जो हैं, उनका शरीर सूप के कांटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में राजा रानी बुरे तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। तब उस राजकुमार ने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। तो दोस्तों, मंत्री ने उस राजकुमार और उस बुढ़िया माता के साथ राजा और रानी के पास जाने के लिए परमिशन दे दी। जब वो लोग राजा रानी के पास पहुँचते हैं तो वो देखता है कि उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वे सदा चिंता में डूबे रहते थे। दोस्तों, फिर उस राजकुमार ने बुढ़िया के साथ राजा रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। ये तो मेरा पुत्र नहीं है, साक्षात भोलेनाथ है। मेरे पुत्र का तो निधन हो गया था, उसके बाद मेरी शुद्ध बुद्ध खो गई थी। जैसे ही भगवान शिव का स्पर्श होता है, एक ऐसी शक्ति आती है। दोनों एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुमने जब हमारे पैरों को छुआ तो हमारे अंदर किसी शक्ति का आगमन हुआ। तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दो। तब भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर कहते हैं, ये बुढ़िया माता का ख्याल आप लोग रखेंगे। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजा और रानी कहते हैं कि इंसान को कभी भी यह चार चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल और चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। राजा ने सभी को ये सूचना दे दी कि अब से राजगद्दी पर बैठेंगे और अगले दिन राजा ने उसका राज्य अभिषेक किया। इसी दौरान वह बुढ़िया थोड़ी उदास हो जाती है, सोचने लगती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। दोस्तों, जब उसने ऐसा सोचा तब राजा कहते हैं, हे माता, आज से तुम हमारे यहाँ राजमाता के रूप में कहलाओगी। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। जब बूढ़ी माँ के दो बेटे घर लौटते हैं और उन्होंने अपनी माँ को घर में नहीं पाया तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ गई। उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारी माँ एक चुड़ैल और डायन थी, इसलिए मैंने उसे मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सांप को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बूढ़ी माँ के बेटे क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को डांटते हुए, फटकारते हुए उन्हें घर से निकालने लगे और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को चुड़ैल और डायन कह रही हो? हमारी माँ कहाँ है, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं ने को असल में नहीं पता था कि बूढ़ी माँ इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था। उन्हीं के बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणित नजरों से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, उसका भी अपमान समाज करता है, उसके बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करते। और इधर दोनों बेटों को यह पता चल जाता है कि उनकी माँ जो है वह एक राज्य की राजमाता है। तो फिर दोनों बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी माँ बड़ी दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। इस प्रकार भगवान शिव ने इतना कुछ पद प्रदान किया। बेटों को ये सुनकर बहुत आनंद आता है कि इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं।
राजा की सहायता से विश्वेश माता राज माता से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे माँ अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वृद्ध माँ कहती है कि बच्चों मैं यहाँ रहकर खुश हूँ, यहाँ हमारे पास एक बेटा है, तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट जाते हैं और वृद्ध माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थी। भगवान शिव उन्हें अपने कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। दोस्तों जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें, अपने माँ बाप को घर से कभी मत निकालें, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते भगवान उन्हें अवश्य दंडित करते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू।